दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी में आया तप प्रसाद तप प्रसाद। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में गुरप्रसाद है, दसम पातशाह की बाणी पढ़ोंगे तप प्रसाद है, दोनों के अर्थ भी अलग है। गुरप्रसाद गुरु की कृपा, गुरप्रसाद गुरु की रहमत, गुरु की नदर। जे गुरु की कृपा ना होवे फिर सीधा ही कह जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे। ये नदर ये गुरप्रसाद है वह निगुणिया गुणवान बना दिंदा है, जे कोई गुणवान होके झुकया रवे उन्हूं गुण निधान नाल बना दिंदा रब नाल सिद्ध। ये गुरप्रसाद तो प्रसाद का अर्थ है हर कर्म में तुरद्या फिरद्या किरत कर्म करद्या कमाई करद्या नाम जपद्या जो भी एक्टिविटी 24 घंटिया हो रही है वो सुरती सीधी गुरु वल सीधी है। हर कर्म में कहिंदे हो तो प्रसाद तुहाडी कृपा तुहाडी कृपा तुहाडी कृपा। हर कर्म में कह रहे हैं तेरी कृपा तो प्रसाद तेरी कृपा तेरी कृपा। जदों सुरत सिद्धि उहदी कृपा वल है तुहानूं बिल्कुल साफ साफ नजर आए। तो प्रसाद वाला ही पढ़ेगा ये गल अंदरों विचार के कि तुमरी कृपा ते जपिए नाओ तेरी कृपा तुमरी कृपा ते दरगा ठाओ। जिन्हों तो प्रसाद आ गया उहो फिर अंदरों अरदास करदा है मैं नहीं जप रहा वाहिगुरु मैं नहीं जप ये तेरी कृपा आप जपाए जपै सो नाओ पढ़ो आप गवाए सो हर गुण प्रभ कृपा ते होए परगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न वसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। तो प्रसन्न हर कर्म विच तेरी कृपा इनू समझण वास्ते दो एग्जाम्पल मैं दवांगा एक थोड़ी जी 40 साल पुरानी एक अज की लेटेस्ट क्योंकि अज के बच्चे उहदे नाल सहमत होणगे। जिन्हां कंट्रियां तो तुसीं आए हो जिस देश तो 40-50 साल पहलों पिछे जायो किसी सज्जण ने पैसे खर्चे तो पिंड विच पहली बार टैलीविजन लिया। जो टैलीविजन लिया पिंड च रौला पै गया बी टैलीविजन लिया बंदा जलंधर बोलता है सुनता साडे पिंड है देखता भी है लोग देख आ गया भी इदा भी होंगे कोई दिल्ली बह के खबर दे रहा है साडे पिंड च उहदी फोटो आ रही है सारा पिंड वेखण आ गया। उस सरदार जी ने 5000 रुपया खर्चा टैलीविजन कहिंदे लवा दिता है तो जदों लाउण वाले ने थले बॉक्स टैलीविजन का स्क्रीन लाई है तार उपर ला के कोठे तक एंटीना लाया उन्होंने एंटीना कहते चालू कर गया लोग वेखन लग पे। वो टैलीविजन लाने वाला चला गया 10-15-20 मिनटों बाद हवा के 2-4 तेज बुले आए टैलीविजन में फोटो आनी बंद हो गई छां-छां करके दाने जे आने लग पे फोटो ना आवे आवाज आउंदी है वह भी विच कट हुंदी है तस्वीर आनी बंद हो गई। वो पिंड वाले कहिंदे आ चंगा फौजी साहब तुसीं लिआंदा टैलीविजन इह तां फोटो ही बंद हो गई। उन्हें उस वक्त सैकल चुके अपने छोटे शहर गया वो बंदे नूं जाके कहिंदा वी पैसे दिते ने तेरा टैलीविजन बंद हो गया बई उस च फोटो नहीं आ रही। उन्हें कहा सरदार जी कोई गल नहीं उन्हूं कुछ नहीं होया मैं हुणे नाल चलना तुहानूं भी समझा दिना। वो फिर नाल आ गया फिर लोग इकट्ठे होए और पौड़ी ला के कोठे ते चढ़िया एंटीना हवा नाल हिल चुका सी उन्हें एंटीना सीधा जलंधर दिल्ली वाल ऐं कर दिता। जदों एंटीना सीधा होया टैलीविजन च फोटो आने लग पई इदां हुंदा सी एंटीना सीधा होया स्टेशन वाल आवाज भी सही आने लग पई फोटो भी आने लग पई। उन्हें समझाता सरदार साहब होया कुछ नहीं सी टैलीविजन ठीक है बस एंटीना हिल गया सी एंटीने नूं सीधा कर लियो स्टेशन वल फोटो सही आने लग जाती है। इनू बेनती समझो एंटीने का स्टेशन वल सीधा होना इज तो प्रसाद बंदिया तेरे शरीर की सुरत कंटीना जिहड़ा सब कुछ खिंच रहा सुन रहा है
ये याद रखी तेरी सुरती का गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वल रहना इज तो प्रसाद। तेरी सुरत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वल रहनी चाहिए है हर वक्त, फिर जो उस रब दे घर विच हो रहा है तेनों साफ सब दिसन लग जाए। गुरु ग्रंथ साहिब निरंकार रब ने तेरी सुरती का एंटीना बाणी वल सीधा रवे, जो गुरु ग्रंथ साहिब चो रिले हो रहा है वह तेनों सुनेगा भी तेनों दिखाई भी देगा, पर शर्त एक है तेरी सुरती का एंटीना गुरु वल सीधा हो। तेनों किसी तो पूछने की लोड़ नहीं है की खाना चाहिए जी, लोगों के 30 साल तो सवाल ने, रहत मर्यादा पढ़ लो, बाणी पढ़ लो, सारी रहत तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च भी मिल जानी। तेनों पूछने की लोड़ नहीं है, तेरी सुरती का एंटीना गुरु ग्रंथ साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी उस स्टेशन वल सीधा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और रिले स्टेशन है जिथों रब की बाणी रिले हो गई, सीधा लाइव हो रहा। जदों तेरी सुरती गुरु वल सीधी होई तेन पुछण की लोड़ ही नहीं पैनी, इधरों ही आवाज आ जानी तेरी सुरत में, बाबा होर खाना खुशी खुआर पढ़ो जित खाते तन पीड़ी मन में चले। जिहड़ी चीज नाल विकार पैदा हो रहे इथों आवाज आ जानी तेन आपे छड़ देना, तेनू पुछण की लोड़ नहीं है। जित पीते मत दूर होए वरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणई खसमों तके खाए। कदों समझ आई सुरती दा अंटीना तन गुरु ग्रंथ साहिब रब्बी स्टेशन वाल सीधा है, इज तो प्रसाद हर कर्म विच तेरी कृपा, फिर जो हो रहा तुहानू सुनाई देना, मैतों किसी तो पुछण की लोड़ ही नहीं पैनी। मैं अक्सर हर कथा विच तकरीबन बेनती करदा सिखो तुहानू तर्क होवे कोई गल सवाल होण जिन्ने मर्जी लैके आ, सैकड़े लखां सवालां दा इक्को ही जवाब हो जाणा है। तेरे अंदर सैकड़े सवाल होण जां अरदास करके सुरती सीधी रखी गुरु दे स्टेशन वल, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हुक्मनामा लई तैनूं जवाब मिल जाणा। इक्को हुक्मनामे विच लखां सिखां दे सवालां दे जवाब। इह हुण नहीं होया कदे, तुसी काल तख्त साहिब तों हुक्मनामे दी इक किताब छपी हुई है जिहदे नाल इतिहासक दिन संबंधित किए ने, उन्हों पढ़ के वेख्यो तो पता लग जू उस दिन किहड़ा हुक्मनामा आया तो की होया। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब बोलते ने सानू सुनना नहीं, साडी सुरती का अंटीना हिलिया होया, असी तो प्रसाद विच नहीं है। जाप साहब पढ़े है तब प्रसाद सवैये पढ़े ने, पर तो प्रसाद नू जानिया नहीं। सुरती का अंटीना हिल गया है, सुरती गुरु वल सीधी रवे, जो हो रहा तुहानू सुनाई दे साफ साफ, कुछ भी किसी तो पुछण की लोड़ नहीं। गुरु किहो जिहा होना चाहिए, गुरु किहनू मनना है, संत कौन है, रौला पाउण की लोड़ ही नहीं पैनी, तुहानू सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब चों मिलना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही कहणगे वे संत हुंदा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही दसणगे संत कौन हुंदा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब चों ही सुनाई देगा कि गज साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पाइन तग गली जिना जप मालियां लोटे हाथ नवग ओए हर के संत ना आखी है बनारस किट। तेरी सुरत सिद्धी होवे तेनू पता लग जाना बनारस का ठग कौन, सुरती सिद्धी है तेनू पता लग जाना संत कौन है। जदों सुरत सिद्धी है ना फिर तेरी सुरती ने पकड़ लेना संत कौन है। धन गुरु ग्रंथ साहिब रब्बी स्टेशन चो आवाज आनी है आसा महला पंजवा, तुहानू सुन लग पैना की आठ पहर निकट कर जाने, संत कौन है आठ पहर 24 आवर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार होए रे सबकी पगशार। सारे दी चरण धूड़ बन के रेंदे वो संत है जिन्हें उच्चा सिंघासन कोई लाया होया, हर का संत नहीं है तुसी समझ लियो। उत्थे जाके संत दी अखां तुहाडे पैरां वल झुकियां रहणगियां, संत दी निशानी है जिहदी नज़र तुहाडी जेब वल है वह बनारस किट आ गए। तुहानू सुन लग पैना इत्थों सब कुछ, किसी तो पुछण की लोड़ ही नहीं पैनी।
आठ बहर निकट कर जाने पढ़ो प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सबकी पगशार संत रहत सुनो मेरे भाई उआ की मैं मां कथन न जाए भाई रहत सुनो इथों कदों सुनेगी जदों तन गुरु ग्रंथ साहब जी रब्बी स्टेशन वाल सुरती सिद्धि रहेगी इज तो प्रसाद हुण मैं लेटेस्ट उदाहरण दे दांगा बच्चों नूं टैलीविजन वाली गल समझ नहीं आनी क्यों जमाना खत्म हो गया हुण एंटीने की लोड़ ही नहीं हुण टैलीविजन तो तुहाडे मोबाइल च है तुसीं सारे जहाजां सफर करते हो यह सफर चलता रहना है कमाल की गल है 15-16 घंटे में इंडिया तो जहाज कनेडा लग गया उपर आकाश में कोई सड़क बनिया हुई ने कोई उपर सड़क बनिया हुई कोई ब्रिज बने हुए उपर आकाश के कोई लाइट सिस्टम भी सामने दूजा जहाज भी आ रहा है इको वार 35,000 जहाज जड़े ने वो दो तीन कंट्रिया के उपरों कट्ठे लंघते तुम वेख सकते मोबाइल से कट लो हुण जहाज इधर उधरों जा रहे उधरों इधर आ रहे ने आकाश में धरती नालों ज़्यादा भीड़ कई बार जहाजों की तुम वेखोगे चलती क्योंकि राती भी चलते ने उपर कोई लाइट सिस्टम लगे कोई सड़क बनिया हुई ने कोई दसन वाला खड़ा है कोई एरो लगे वे आ कैलगरी नूं रस्ता जाता है जहाज आप ही आ रहा है किमें आ रहा है मेरे नालों वध तुसी सियाने पढ़े लिखे बैठे हो उहदे विच एक सिस्टम काम करता है जिहड़ा धरती नाल जुड़िया होया है वह कंपास सिस्टम है सूई दसदी है इत्थों इधर नूं मुड़ जहाज उधर अपने आप उहदे मुताबिक चल कोई सड़क नहीं कोई एरो नहीं लगा होया कोई लाइटां नहीं लगियां हुई जहाज चल रहा है पर वो जिहड़ा कंपास सिस्टम है ना उपर जिन्नी देर उहदा धरती नाल संपर्क है उन्नी देर सही दिशा दसद दिशा वो दस रहा है जिदा संपर्क धरती नाल है आकाश में उड़ते जहाज नूं दिशा सही दसी जा रही है वह अपनी मंजिल ते पहुंच जांदा है कंपास का मंजिल वल सीधा रहना इज तो प्रसाद उन्हें उत्थों कैलगरी भर लिया इदा उत्थों उधर अपने आप वो आ रहा उधरले पास मंजिल पिछों निकल जाए जिथे जहाज का फाइनल डेस्टिनेशन है वह मंजिल निकल जाए विचों फिर कुछ नहीं कहा जा सकता फिर नहीं वो मंजिल पर पहुंचे फिर सब कुछ खत्म जिथे मंजिल फाइनल डेस्टिनेशन है उहदे वल कंपास सीधा रहिंदा है 16 घंटे फिर उस जगह पर वो पहुंचता है वो सिखा जे तू रब दे घर पहुंचना चाहना है सीधी गल है तेरी सुरती का वह कंपास तुहानू गुरु ग्रंथ साहब जी वल सीधा रहे इज तो प्रसाद इहनू कहिंदे तो प्रसाद हर काम च कहना तेरी कृपा खाण लग्या भी तेरी कृपा पहनण लग्या भी तेरी कृपा जे प्रसाद छती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे तो प्रसाद जदों तो प्रसाद विच उतरोंगे सुरती गुरु वल सिद्धी है हुण करण वाले हैं अर काले है खल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व पढ़ो कल कारण है सर्व त्रित के तरण है जग के तरण है मन मान्य है जग जान्य तो प्रसाद सिद्धी सुरत गुरु वल सिद्धी है जदों तो प्रसाद तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा फिर उहदे विच एक चीज होर आउंदी है वो चार नंबर ते इन्ही की कृपा फिर वो सुरत ने कह लग पैना मैं नहीं कितने पहुंचा मैं नहीं कुछ भी किया मेरा नहीं कुछ भी योगदान फिर वो संसार वल ऐ झुकदा है क्योंकि संसार विच ही निरंकार वसया होया ना ये जग सच्चे की है कोठड़ी उदों समझ आनी है उस तो पहला तो दुश्मन बैरी नजर आ रहे थे जदों उस जगह ते तो प्रसाद वल चढ़ाई हुई फिर उत्थों बिल्कुल निवाण वल रब ने सुरत लिया के कहा नहीं एसया हो जग सच्चे की है कोठड़ी फिर तुम उस तल ते आके जड़ोंगे ना को बैरी नहीं वेगाना ये कदों कहानी शुरू हुई सौखी गल है कि
पढ़ो। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बने। सारे नाल बन लग पे, कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। ये गुरु की साध संगत तो पर साथ तो सुरत वापस आई है। फिर ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बन आई। फिर तुसी राजे बन जाओगे। पता किदा, जागदिया भी कोई चिंता नहीं, सुत्या भी कोई चिंता। अचिंत इतने जागदिया भी डिप्रैशन है, तो सुत्या भी दिमाग चल रहा, नींद नहीं आ रही। उन्होंने पूछो टेंशन है कोई, कहने टेंशन कोई नहीं। टेंशन ना होने के बावजूद भी डिप्रैशन है। जदों सुरत तौ प्रसाद तो साह संगत राही वापस आई है, फिर गुरु की आ कृपा हुई। सोए अचिंता जाग अचिंता, पढ़ो। सोए अचिंता जाग, सोए अचिंता जाग अचिंता, सोए अचिंता। जहां कहां प्रभ तू वरतंता, जहां कहां प्रभ। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। घर सुख कहो नानक गुर। हुण शुरू होया इन्हीं के प्रसाद, जिन्हों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहिंदे, जुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद। इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। कहिंदे मैं नहीं कीता कुछ भी। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर वड्याई पता किनू दिंदे, खालसे सिखां नू। जदों तुसी इस घर विच जाओगे ना, फिर दूजियां नू वड्याई देण च तुहानू आनंद आउण लग पैणा। तां वेखो हुण मैनूं खुशी है, बिना इलैक्शन तो तुसी कमेटी चुन ली है। मैनूं नहीं पता मेरा व्यू तुहानूं किहो जिहा लगे। ये मैनूं लगदा वी इह तौ प्रसाद तों वाद ही वरतदा, किसे दूजे नूं माण देण लग्गियां खुशी आ रही। नहीं तो बंदा कहिंदा पैर अड़ दे तां अड़ा लो, जिथों कुतक कट दे। और तुसी हैरान होवोगे, इस तरह की नीति दे लोग कई कई साल इलैक्शन ही नहीं होण दिंदे, क्योंकि पैर अड़े हुए आ। हुण पंजाब च रौला पैंदा, कराओ जी कौन करावे, जिन्हें पैर अड़ाए वह कित्थों निकलदे हुण। वो कहिंदे होण ही नहीं देना, जद तक नहीं हुंदा सी गल खत्म। तौ प्रसाद तो बाद ही अंदर गुरु कृपा करदा है। तुसी दूजे नूं माण देण च खुशी महसूस करोगे, दूसरे नूं अगे बिठाउण विच माण महसूस करोगे। और सिख कौम नूं इस गल दा माण है, वह दुखां विच लंघ के भी दूजियां दा भला करन दी उहदे अंदर खुशी पैदा हुंदी है। जिन्हां हालातां विच तुसी लंघे हो, कोविड 19 आ करोना दे विचों किन्ना संकट सी, बड़ा वधिया सिखां ने अपना रोल प्ले किया। मैं तुहाडी इस कमेटी का नाम दरबार साहब तो लाइव कथा विच कहा, क्यों पहली खबर इत्थों आई भी जिहड़ा गुरु दे कीर्तनीए प्रचारक ग्रंथियां नूं, ठीक है संगत नहीं आ रही, इनकम घटी है, प्रोग्राम बंद होए ने, असी पहलां $2,000 उन्हां नूं देवांगे। गौरमेंट ने ऊ सिटीजनां नूं दित्ता है, तुसीं इत्थों दे मुलाजमां नूं दित्ता है। मैं पहली बार उदणी दरबार साहब तो बोलिया, एपीशिएट कीता इहनां भाई, क्यों इह पैदा होया सब कुछ। ये तुहाडे ते गुरु की कृपा, अरदास करो इदां कृपा बनी रवे, सानू गुरु त्यागण विच खुशी बख्शे। जदों तुसी त्याग करोगे उहदे नाल दी खुशी होर है, वह कितों नहीं मिलना। ना छड्डण विच बहुत सुख है, त्यागण विच सुख है, दूजे नूं माण देण विच सुख है। तुसी किसे नूं माण दोगे, तुहाडा लोक विच भी माण हुंदा, दरगाह विच भी माण। ये जपण वालियां दी निशानी, इन्हीं के प्रसाद। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो 14 जंगां जितण तों बाद भी ये नहीं कहिंदे मैं जित्तिया, अपना सरबंस दान कीता है, पर कहिंदा नहीं भी मैं दान कीता है। इत्थे इक दा कोई इक पुत शहीद होवे, वह सारी उम्र रौला पाउंदा साडा शहीद होया, पर बलिहार श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो सरबंस दान करके भी कहिंदे मैं नहीं वह दान किया। वो खालसे हो, ये दान मैं नहीं किया। इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। जे मेरे ते खालसा कृपा ना करता, मैं सरबंस नहीं सी दान कर सकता। जुद जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद।
इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे। कहते मेरा घर भरिया होया कृपा नाल, भाई कादे नाल? आ खालसे की कृपा नाल, सिखां दी कृपा नाल। इन्ना वड्डा मान इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम पढ़ो, इन्हीं की कृपा के सजे हम नहीं मोसो गरीब करोर परे। ये है चौथा पड़ा, इन्हीं के प्रसाद सब कुछ करके खालसे ने कहना पंथ दी कृपा। आत्मा ग्रंथ विच है, शरीर गुरु दा पंथ विच है। जेड़ा पंजां दी गल ठुकरा दिंदा है उन्हों गुरु भी ठोकर मार दिंदा है, पर वो पंज अंदरों गुरु नाल जुड़े। जेड़ा पंचायत दी पंजां दी गल सुट दिंदा है गुरु उन्हों भी सुट दिंदा है। इसलिए पंथ विच महान है जदों पंज जने गुरु नूं समर्पित होकर मता करके कह दें उदों फिर मोहरे कोई होर। यह महान है इन्हीं के प्रसाद।